सॉफ्ट मेल्ट इन माउथ रसीली, यह दही से बनी एक अनोखी रेसिपी। गर्मियों के लिए खास है ये, क्योंकि खाने में वैसे तो आपको ये मिठाई की तरह लगेगी, पर ठंडा करके खाओ तो ये रसीली रेसिपी आपको गर्मियों से राहत भी देगी। दिखने में ये किसी चीज केक की तरह लग रही है ना, खाने में बहुत ही यमी है। बिना जिलेटिन, बिना अगर अगर और बिना कॉर्नफ्लोर के बहुत ही सिंपल इंग्रेडिएंट से बनी सिंपल सी रेसिपी है ये। इसी के साथ इन गर्मियों के लिए खास वाटरमेलन पॉप्सिकल्स की रेसिपी भी दूंगी मैं आपको। दोनों ही रेसिपी जबरदस्त है, इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखना। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। इसे बनाने के लिए मैंने लिया है ये 400 ग्राम दही। ये दही अच्छा गाढ़ा होता है, इसलिए मैंने ये लिया है। आप घर में बना हुआ दही भी इस्तेमाल कर सकते हो, बस वो अच्छा गाढ़ा होना जरूरी है। अब यहाँ पर एक बाउल में बड़ी सी छलनी रखकर कॉटन के कपड़े की सहायता से हम दही का जो एक्सेस वाटर है ना, इसे निकाल देंगे। तो पूरा का पूरा दही इसमें डालकर चम्मच से पहले हिलाना इसे अच्छे से, और अच्छे से मिक्स करने के बाद ये देखिए इस तरीके से इसका पानी हम निकाल देंगे। एकदम 100% पानी नहीं निकाला तो भी कोई दिक्कत नहीं, बस अपनी रेसिपी में चीज केक जैसे थोड़ी सी स्टेबिलिटी आए इसलिए पानी निकालना जरूरी है। इस पानी को आप किसी भी सब्जी में यूज कर सकते हो या फिर डायरेक्टली पियो तो भी चलेगा। अब आप चाहो तो इसे थोड़ी देर रेस्ट करा सकते हो, या फिर डायरेक्टली इस कपड़े को खोल कर इस गाढ़े दही को बाउल में निकाल लेंगे हम। चम्मच की हेल्प से अच्छे से फेंट लेंगे हम इसे, ताकि ये एकदम स्मूथ बन जाए। फेंटने के लिए आप चाहो तो विस्क का भी इस्तेमाल कर सकते हो। जब ये इस तरीके से बिल्कुल सॉफ्ट और स्मूथ बन जाए, चलिए इसे साइड में रखकर अब एक कटोरी में 1-2 चम्मच गुनगुना दूध लिया है मैंने, इसमें थोड़े से सैफरन स्ट्रेंड्स डालकर दूध को अच्छे से मिलाएंगे। जब तक सैफरन अपना कलर और टेस्ट दूध में छोड़ दे, तब तक ये देखिए ये मैंने ली है मिल्क पाउडर। वैसे तो ये 200 ग्राम का पैकेट है, पर इसमें से हम लगभग 150 ग्राम तक ही मिल्क पाउडर यूज़ करेंगे। तो ये देखिए दोस्तों, पहले एक पैन में 1 कप और ये थोड़ी सी करीबन 150 ग्राम से थोड़ी सी कम मिल्क पाउडर लेना। अब इसमें जाएगी ये 1/4 कप पिसी हुई चीनी। चीनी की क्वांटिटी थोड़ी सी कम या ज़्यादा की जा सकती है। मैंने ना कल थोड़ी सी इलायची को चीनी के साथ पीसकर उसी में से थोड़ी सी पाउडर इसमें डाल रही हूँ मैं। चलिए अब पहले इन ड्राई इंग्रेडिएंट्स को अच्छे से मिला देते हैं, और अब इसमें जाएगा 1 बड़ा चम्मच घी, और ये सैफरन वाला दूध भी डाल देंगे। इनको भी मिश्रण के साथ अच्छे से मिला देंगे हम, और इन्हें मिलाते मिलाते हम इसकी एक अच्छी सी पेस्ट बनाएंगे। उसके लिए इसमें हम ये 1/4 और ये 1/4 मतलब आधा कप गुनगुना पानी डाल देंगे, और अब सारी चीज़ों को अच्छे से मिलाएंगे हम। मैंने तो इसे स्पैचुला से ही मिलाया है दोस्तों, आप चाहो तो विस्क का भी इस्तेमाल कर सकते हो। अगर ये सारी चीज़ें भी आप नहीं करना चाहते हो तो आप क्या करना, डायरेक्टली बाहर का कंडेंस मिल्क यूज़ करना। अराउंड 200 ग्राम या उससे थोड़े से कम कंडेंस मिल्क से आपको ऑलमोस्ट सेम ही रिजल्ट मिलेगा, बट क्योंकि कंडेंस मिल्क सबके पास अवेलेबल नहीं होता तो उनके लिए ये मिल्क पाउडर वाली आइडिया काम आएगी। ये देखिए कितना स्मूथ पेस्ट बना है ना, कंडेंस मिल्क जैसा ही लग रहा है ना, ये टेस्ट में भी वैसा ही है। तो चलिए अब ये जो गाढ़ा दही हमने फेंट कर रखा था ना साइड में, आप देख सकते हो कितना स्मूथ है ये, तो इसको भी इस मिश्रण में डाल देंगे। अगर आप थोड़ा कम मीठा खाते हो तो यहाँ पर आप कंडेंस मिल्क की क्वांटिटी थोड़ी सी कम कर सकते हो, या फिर दही की क्वांटिटी थोड़ी सी बढ़ा सकते हो। बस ध्यान रखना इस रेसिपी के लिए अच्छा फ्रेश दही ही यूज़ करना। तो दोस्तों ये मिठाई बंगाल की फेमस मिठाई भापा दोही से इंस्पायर्ड है। इंस्पायर्ड से याद आया, लास्ट वीक से ही मैंने पावर ऑफ थॉट्स बाय अपर्णा, ये एक इंस्पिरेशनल मोटिवेशनल स्टोरी टेलिंग यूट्यूब चैनल शुरू किया है। एक वीडियो ऑलरेडी अपलोड किया है मैंने इस पर, विमेंस डे स्पेशल, आप जाकर चेक जरूर करना और सब्सक्राइब करके बेल भी दबाना, क्योंकि अच्छे खाने के साथ जीने के लिए हमें अच्छे विचारों की भी ज़रूरत है। अब ये देखिए दोस्तों, यहाँ पर मैंने एक 5 इंच के एल्यूमिनियम के टिन को अंदर से अच्छे से तेल लगाकर साइड से भी अच्छे से तेल लगाया है, और इसमें एक पार्चमेंट पेपर डाल दिया है। अब इसमें हम अपना दही और कंडेंस मिल्क का मिश्रण डाल देंगे। ये अपने केक के जितना फूलता नहीं है, पर हल्का सा ऊपर जरूर आता है, तो टिन की साइज इस तरीके से लेना कि ऊपर थोड़ी सी तो जगह बच जाए।
का कोई स्टील का बाउल या पतीला भी इस्तेमाल कर सकते हो। अब ऊपर से एल्यूमिनियम फॉइल से अच्छे से कवर करना इसे, ताकि इसके अंदर पानी ना जाए। दोस्तों यहाँ पर एक कढ़ाई में मैंने एक स्टैंड रखा है, अब इसमें 2-3 ग्लास पानी डाल देना। पानी डाल रहे हैं क्योंकि हम इसे स्टीम कर रहे हैं, तो जब पानी इस तरीके से अच्छे से गर्म हो जाए, इसमें इस टिन को रखकर ऊपर से ढक्कन से कढ़ाई को अच्छे से कवर करना। और अब 25-30 मिनट मीडियम फ्लेम पर अच्छे से हम इसे स्टीम होने देंगे। मैंने ऑलमोस्ट 30 मिनट के बाद इसे खोला है। इस कवर को हल्के से हटाकर पहले चेक करना इसे। देखकर ही पता चल रहा है ये बहुत अच्छे से पक गया है। फिर भी कंफर्मेशन के लिए आप चाहो तो इसे टूथपिक से ऐसे चेक कर सकते हो। अब फ्लेम को बंद करके इसे अच्छे से ठंडा होने देंगे। पहले आप चाहो तो इसे डीमोल्ड किए बिना इसी साइड से डेकोरेट करके ऐसे भी पीसेस निकाल कर सर्व कर सकते हो, या फिर डीमोल्ड करने के लिए साइड से नाइफ से पहले इसे अच्छे से लूज करना। और अब इसके ऊपर एक प्लेट या पोट रखकर धीरे से इसे पलट देना। थोड़ा सा थपथपाना और ये देखिए कितने बढ़िया से डीमोल्ड हुआ है ये। पार्चमेंट पेपर को हटा देना, फिर इसे आप आपके हिसाब से डेकोरेट कर सकते हो। मैंने इसके बॉर्डर पर पिस्ता के टुकड़े रखे हैं, कुछ बादाम के भी रख सकते हो आप। साथ में ही मेरे पास एक गुलाब का फूल था, इसकी पंखुड़ियों को अच्छे से क्लीन करके केक के साइड में लगा दी है। तो दोस्तों डेकोरेशन आप आपके हिसाब से कर सकते हो। ये देखिए कितना जूसी है ये। आप इसे फ्रिज में रखकर ठंडा ठंडा सर्व करो ना, तो और भी मजा आएगा। तो इस रेसिपी को भी ज़रूर ट्राई करना। और अभी गर्मी है, मार्केट में वाटरमेलन भी बहुत अच्छे आ रहे हैं, तो इनसे आप या तो वाटरमेलन जूस बना सकते हो या तो वाटरमेलन पॉप्सिकल्स, तो बच्चे तो खुश हो जाएंगे। उसके लिए आपको बस 2 कप वाटरमेलन के टुकड़ों को मिक्सिंग जार में डालना है। साथ में ही जाएंगे थोड़े से पुदीना के पत्ते, थोड़ा सा चाट मसाला, 1 बड़ा चम्मच चीनी और 1 पिंच नमक। बहुत ही बढ़िया सा वाटरमेलन का जूस बना है। मैं बिल्कुल छोटे छोटे वाटरमेलन के पीसेस डाल देंगे हम, और अब इनको पेपर कप्स में डालकर सेट होने के लिए करीबन 4-5 घंटे फ्रीजर में रख देंगे। ये देखिए 4-5 घंटों के बाद जब ये ऐसे जमना शुरू हो जाए, इसमें वुडन स्टिक्स लगा देना और फिर 4-5 घंटे या अच्छे से सेट होने तक फ्रीजर में रखना। तो गर्मियों के खास स्पेशली वाटरमेलन पॉप्सिकल्स भी बनकर रेडी है। तो दोस्तों भापा दोई हो या वाटरमेलन पॉप्सिकल्स, गर्मियों में ऐसी रेसिपीज बहुत काम आती है, तो ट्राई ज़रूर करना और आपके अनुभव हमारे साथ शेयर भी करना। वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक ज़रूर करना और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर भी करना। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो या मेरा वीडियो पहली बार देख रहे हो, तो नीचे का लाल रंग का सब्सक्राइब बटन ज़रूर दबाना, साथ में ही बेल आइकन को भी क्लिक करना, जिससे आपको मेरे नए वीडियो के बारे में सबसे पहले पता चले। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।